समझ में आया? देखो एक बार और दिखाता हूँ। पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी म्यूजिक पार्ट अगर उठाओ, कोई भी म्यूजिक पार्ट किसी भी गाने का, तो आपको एक कोशिश ये करना है कि वो पार्ट के स्टाइल को देखना है कि वो पार्ट किस स्टाइल में बजा हुआ है। आपको उसी स्टाइल को फॉलो करके उसको उठाना है, क्योंकि आप कंपोजर नहीं हो। उसको अपने हिसाब से करने से कोई बेनिफिट नहीं होता, उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने बजाया ये पार्ट, ये F माइनर से किया है ये गाना। ठीक है, ये बहुत दिन पहले बजाता था, इसकी काफी डिमांड थी, तो ये इंट्रो पार्ट में दे दिया फर्स्ट वाला। अगर आपको लगेगा कि नहीं सर इसके और भी चीजें मेरे को चाहिए, तो आप फिर बताना, फिर बाद में मैं इसका लेसन बना दूंगा। इंट्रो पार्ट पहले समझ लो है तरीका क्या। देखो ये क्या 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 नोट किया, देखो जी जी सर आप नोट है 1 G D sharp C G sharp पहला सेकंड, देखो अलग अलग, देखो ये एक पार्ट हो गया, अब सेकंड वाला देखो ये क्या गया D sharp F D sharp F D sharp F G A A sharp C सेकंड हो गया। अब उसके बाद देखो माने G G sharp A sharp A sharp A sharp A sharp, A sharp, G sharp, D sharp, C, A sharp। अब देखो C क्या करना, फिर A sharp C यहां लेना, यहां मत लेना, क्योंकि गाने में C यहां पे लगा हुआ। देखो कैसे लगा हुआ, और बजाओगे अगर तुम ये नोट सही है, बट वो स्टाइल नहीं आएगा, याद रखना इस चीज को। ये हुआ, अब देखो तो यहां से देखो सी सी कैसे, बी सी को हाफ नोट ले रहा है। देखो क्या नोट है ये, जी डी शार्प, और ये तुम्हारा हो गया सी जी शार्प जी, यहां तक कैसे ले रहे। ध्यान से देखो, यहां तक लेके आना है, कैसे लगाए ये, सी सी जी डी सर सी, देखो 4 नंबर स्ट्रिंग का जी सर जी। आप देखो ये क्या नोट हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा सी, ये तुम्हारा हो गया सी एफ डी सर पहला, उसके बाद सी जी सर माने सी डी सर सी एफ डी सर सी वो सी, ये सी नोट है 4 नंबर स्ट्रिंग का 10 नंबर पे, उसके बाद फिर इसी जगह से तुम्हारा ये हो जाएगा एफ जी सर ए सर, ये हो गया। उसके बाद फिर यहां पे आ जाओ, मतलब ये तुम्हारा नोट हो जाएगा डी सर एफ जी ए सी, यहां तक लेके आना। देखो मेरी बात, देखो इसको ध्यान से देखो, कैसे ले रहे ये चीज। अब एक बार लास्ट फिर एक बार बजा के दिखा देता हूं, 1 2 3 4
बस यहां तक, ठीक है, उठाइए इसको और मन से देखो, प्रैक्टिस करो। अगर मेरे से सीखते हो ना तो मन से देखो, प्रैक्टिस करो प्लीज। ये सबों को मैं बोलता हूं, ऐसा सोचो कि नहीं आपको सही सीखना है और सही बजाना है, फालतू का कोई फायदा नहीं है। और एक बात, मेरे चैनल में कुछ कमेंट ऐसे ऐसे आते हैं, तो मेरे को कमेंट करने से पहले आप एक बार अपने आप को भी देख लेना बॉस। ये यूट्यूब है, इसमें ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है मेरे को, बट आप एक बार अपने आप को भी देख लेना कि आप भी किस लेवल पे हो, और उसके बाद मेरे को कमेंट करना। वैसे मैं खुश होता हूँ नेगेटिव कमेंट से भी, कि चलो कम से कम आपको परेशानी तो है।